हेलो डियर, वेलकम टू अन अकेडमी बीपीएससी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आज लेकर आया हूँ, क्या है सिंधु जल समझौता। आज हम लोग पूरी जानकारी लेंगे सिंधु जल समझौता के बारे में और सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखेंगे, इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सा है और कितना प्रतिशत जल का प्रयोग करता है पाकिस्तान और भारत कितने प्रतिशत जल का प्रयोग करता है। सिंधु नदी के बारे में आज पूरी जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, इंडियास लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आया है। यह प्रैक्टिस सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिनका बिहार एसआई का है उनके लिए भी प्रैक्टिस सेशन है। ये छोटा सा वीडियो बस आपके नॉलेज के लिए मैं बना रहा हूं। और जिन लोगों को भी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, अन अकेडमी ऐप को आप डाउनलोड करके गेट सब्सक्रिप्शन में जाओ। और जिनको भी लेना है, ये हमारा रेफर कोड, आप कैपिटल में टाइप करेंगे सुजीत, क्या कैपिटल में टाइप करेंगे, अगर कैपिटल में आप टाइप करेंगे सुजीत तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने का? 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अन अकेडमी के किसी भी कोर्स का आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप हमारे रेफर कोड का प्रयोग कर सकते हैं, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके डियर, तो आप हमारा रेफर कोड यूज करना ना भूले अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो। ठीक है, लाइव क्लास को भी अटेंड कर सकते हो, अन अकेडमी के लर्निंग ऐप में जाने के गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। कई टॉप एडुकेटर से भी आपको पढ़ने का मौका भी मिलेगा, बिहार के कई टॉप एडुकेटर जो आपको अन अकेडमी पर पढ़ा रहे हैं बीपीएससी और बिहार एसआई के एग्जाम की दृष्टिकोण से। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि क्लास के दौरान आपको पीडीएफ भी मिलेगा। क्लास के दौरान आपको क्या मिलेगा? पीडीएफ भी मिलेगा और आप वीकली क्यूज भी कर सकते हो। वीकली क्यूज भी यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ये सिंबल को यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो। तो अब हम लोग छोटी सी जानकारी अन अकेडमी के बारे में मैंने दे दिया। सब्सक्राइब नाउ टू क्रैक बीपीएससी, लेट्स क्रैक इट। चलते हम लोग अपने मुद्दे के ऊपर, बात के ऊपर। तो हम लोगों को आज क्या पढ़ना है? सिंधु जल समझौता। सबसे पहले मैपिंग देखते हैं हम लोग, सिंधु जल समझौता का मैपिंग क्या होगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि भारत में तीन नदियां हैं जो आती है, उसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तीन नदियां हैं भारत की जिनका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। जैसे अभी आप देखो यहाँ पे, यहाँ है तिब्बत में मानसरोवर झील। तिब्बत में क्या है? मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से तीन नदियां निकलती है। ये तीनों नदियां कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से। एक तो ये है, ये जो नदियां है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये जो है, ये है सिंधु नदी, जिसके बारे में अभी हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। और दूसरा है, तीसरा है सतलज नदी, 1520 किलोमीटर ये लंबी नदी। ये हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है और प्रवेश करते हुए ये जाके कहां मिलती है? सिंधु नदी में। एक यहां पर मिथान कोड है, पाकिस्तान में एक मिथान कोड है जो सिंधु की कई सहायक नदियां जो है, झेलम, छिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी नदियां एक साथ जाकर मिथान कोड में मिलती है। और पंजाब से भी निकलने वाली जो भी नदियां हैं सारे जाके मिथान कोट में मिलती है, यहां पंचनद का निर्माण होता है। दो तीन बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहला, सिंधु नदी के विसर्पण से ही जम्मू कश्मीर में झेलम श्रीनगर में, श्री नगर में बुलर झील का निर्माण हुआ। इसके विसर्पण से, नदी के विसर्पण से भी झील का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चाप झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप झील। तो इसी नदी के, सिंधु नदी के विसर्पण से ही, ऐसे करना मतलब होता है विसर्पण करना नदी का, भारत में मीठे पानी का जो झील है बुलर झील, उसका निर्माण इसके विसर्पण से ही हुआ है। और इसकी जो लंबाई है, सिंधु नदी की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है। कितना है? 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका मुहाना देखो आप कहाँ है? अरब सागर में। ये आप देख पा रहे हो अरब सागर की शाखा, और अरब सागर में इसकी मुहाना है। अगर आपको ब्रह्मपुत्र की मुहाना पूछ दे तो आप बताएंगे बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र का अलग अलग जगह अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे अभी आप देखो, इसको चाइना में सांगपो बोला जाता है, तिब्बत में ये सांगपो मतलब होता है शुद्ध जल वाली नदियां। फिर ये भारत में प्रवेश करती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश में इसको दिबांग, और इसकी कई सहायक नदियां भी है, दिबांग, दिहांग, सुबंसरी, कामेग, मानस, संकोच, तीस्ता, लोहित, इस तरह की कई सहायक नदियां भी है। किसकी? तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र की, जो 2880 किलोमीटर लंबी नदी है, सॉरी सिंधु नदी जो 2880 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। और इसकी कई सहायक नदियां को भी आप देख सकते हैं। यह है रावी हो गया, यह सतलज मैंने अभी आपको बताया, सतलज नदी को आप भी आप देख सकते हो। ये जो जगह है यह पाकिस्तान का है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, हम कहते हैं इस बॉर्डर को आप जरा यहां से देखिए,
इस बॉर्डर को, चाहे या तो पिछले वाले मैप में देखिए, यहां पे आप क्लियर वे में इस चीजों को देखिए, ये है क्या भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, इस तरफ है पाकिस्तान और यहां पे आपका देख पा रहे होंगे आप गुजरात और राजस्थान का एरिया इस साइड में, आपको पता है ये मरुस्थलीय भाग है, भारत का ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। पाकिस्तान को हम लोग कहते क्या है, नहरों का देश, पाकिस्तान को हम लोग क्या बोलते हैं, नहरों का देश, और भारत को क्या कहते हैं, नदियों का देश, क्योंकि यहां का भाग जब मरुस्थलीय है तो ऑटोमेटिक है इस जगह का भी क्षेत्र मरुस्थलीय ही होगा, क्योंकि लगभग लोकेशन एक ही है। अरावली अगर ऐसे होता तो हो सकता था यहां भी वर्षा होने की संभावनाएं रहती, लेकिन ऐसा कुछ भी कंसेप्ट यहां पे नहीं है। पाकिस्तान की जो सिंचाई व्यवस्था है वो ज्यादातर सिंधु नदी तंत्र पर ही आश्रित है, सिंधु नदी तंत्र पर ही पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था आश्रित है, यह आपको नॉर्मली समझ में आ गया होगा। अब है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के आधार जब हुआ था, धर्म के आधार पर दो नए राष्ट्र बने थे, राजनीतिक विभाजन भी हुआ और भौगोलिक विभाजन भी हुआ। अब बात आता है कि जल विभाजन की, तो 1947 के बाद दोनों देशों में एक आपसी मनमुटाव की तरह का एक विचार उठना स्टार्ट हुआ कि आखिर सिंधु जल, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा डर लग रहा है अगर हम यहां पर बांध बनाएंगे, कोई भी नदी घाटी परियोजना अगर हम यहां पर बनाते हैं उससे पाकिस्तान को डबल घाटा है। पहला कि अगर हम पूरे पानी को रोक देते हैं तो वहां पे खेती नहीं होगा, समझ में आ रहा, अगर हम पूरे पानी को रोककर एक बार में छोड़ देते हैं उधर बाढ़ भी आ सकता है, मतलब एक तरह का ये हथियार भी बन गया भारत के लिए। तो इस तरह के कई मुद्दों को उठाया गया, विश्व स्तर पर भी उठाया गया, लेकिन अंततः आप देखेंगे जाकर इस पर कुछ परिणाम भी आया 1960 में। आप देखेंगे उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस समय जो थे अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस समय के, जिसमें सिंधु जल समझौता हुआ था 9 सितंबर 1960 को। सिंधु जल समझौता कब हुआ, 9 सितंबर 1960 को। सिंधु जल समझौता कब हुआ, 9 सितंबर 1960 को। और उस समय जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान ने रावलपिंडी में दस्तखत किए थे सिंधु जल समझौता। और इस दस्तखत का क्या क्या परिणाम सामने आया तो जरा हम लोग देखते हैं दस्तखत का क्या परिणाम सामने आया। इस मैप पर जाके हम लोग देखे तो लगभग 80% सिंधु नदी तंत्र का 80% जल का प्रयोग, 80% जल का प्रयोग कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा, और 20% जल का प्रयोग मात्र भारत करेगा। लेकिन बाकी जो इसकी सहायक नदियां हैं उसमें 6 सहायक नदियां हैं, झेलम, पंजाब की 5 और एक 6, ये सतलज, इन 6 में 3 नदियों का जो है उसका ज्यादातर प्रयोग पाकिस्तान करेगा और 3 पर एकाधिकार रहेगा किसका, भारत का। तो यह समझौते का परिणाम था। कई बार युद्ध हुआ और पाकिस्तान के मनमुटाव की स्थिति में देखा गया कि कई सिंधु जल समझौता को रद्द ना कर दे भारत या पाकिस्तान इस तरह के, लेकिन ऐसा अभी कुछ भी परिणाम नहीं आया। उरी हमले के बाद भी भारत सरकार का ये योजना था कि हम जल को भी रोकेंगे, और हमारे राजस्थान में सिंचाई के लिए आपको पता है इंदिरा गांधी नहर है उसमें भी जल पूर्ति करेंगे, और भी कई नदी घाटी परियोजना, यहाँ पे कई सारी नदी घाटी परियोजना भी पंजाब और में बनाया गया है, जिससे कि पाकिस्तान को कई बार लगता है इस तरह के परियोजना भारत नहीं बनाए, ये हम लोगों के लिए खतरा है, समझ में आ रहा क्यों खतरा है, ये मैंने आपको बताया है। बस एक छोटी सी जानकारी था हमारा किसके विषय में, सिंधु जल समझौता के बारे में। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर हम लोग मिलेंगे एकदम छोटे छोटे जानकारी के साथ कि बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ है, ठीक है, पांडुचेरी को कब भारत में मिलाया गया, अंडमान निकोबार की क्या विशेषता है, ठीक है। इस तरह के कई छोटे छोटे वीडियो को लेकर हम लोग मिलेंगे, और जिन लोगों को भी अच्छा लग रहा हो वीडियो प्लीज एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।